मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज़ मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबिन इन द व्लॉग्स। तो आज है संडे और संडे वाला दिन थोड़ा ऐसा होता है कि टाइम से उठ जाओ लेकिन फिर भी काम टाइम से नहीं होता है, क्योंकि एक तो बच्चे घर पे होते हैं और दूसरा मेरा ये रहता है कि मैं जिस दिन संडे होता है ना उस दिन वॉशरूम भी साफ़ करती हूँ और सिर वगैरह धोना होता है, तो मैं सोचती हूँ कि जिस दिन सिर धोऊंगी उसी दिन ही वॉशरूम साफ़ कर लूँगी। और सर्दियों में मेरा ये रहता है कि मैं एक हफ्ते में एक ही दिन बाल धोती हूँ। मुझे ना सर्दी सुबह सुबह है ना सर्दी में मतलब बाल नहीं धो जाते हैं। अगर थोड़ा देर से नहाओ ना तो ये है कि ना चलो धो लो हफ्ते में दो बार, लेकिन मैं सुबह जल्दी नहाती हूँ तो फिर मुझसे ना धुलता नहीं है और फिर हर्षित को भी देर हो रही होती है। तो मैं सोचती हूँ कि ना संडे को ही वॉशरूम साफ़ करूँगी और फिर तभी सिर धो लूँगी और फिर यही सब में सफाई वगैरह करने में और थोड़ी डीप क्लीनिंग टाइप हो जाती है ना नहाने से पहले ही होती है ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मुझे थोड़ी देर हो जाती है। और आज संडे वाले दिन है ना ड्रेस वगैरह भी निकलती है हर्षित की, तो काफ़ी सारे कपड़े भी हो जाते हैं, तो कपड़े जो है वो सूख गए तो मैंने रख दिए हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा है क्या कि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है। तो अभी मैंने बस ये उठ के गए हैं और मैंने इनसे पूछा कि मैं क्या बनाऊँ नाश्ते में, तो ये बोल रहे थे कि कुछ अच्छा सा बना ले सर्दी है, तो बोल रहे थे कचौड़ी बना ले। अब कचौड़ी बनाने के लिए मेरे पास तो ना तो अदरक है ना हरी मिर्ची है ना हरा धनिया है, कैसे बनाऊँगी। तो चलो कुछ जुगाड़ उगाड़ करते हैं, सिंपल सा बना देते हैं आलू का भुर्ता और उसी को भर करके खिला देते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं समोसे की तैयारी कर लेते हैं, फिर जब ये आएंगे उस समय पे अपन तल लेंगे। तो यही मैं करूँगी क्योंकि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे हो जाएंगी तो फिर अच्छी लगेंगी। तो पहले ये कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में आज मुझे थोड़े कपड़े वगैरह है ना पुराने कपड़े हर्षित के वो निकालूँगी वंशु के लिए, क्योंकि सर्दी आ गई है ना तो उसके काम आ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास रखे हुए हैं बहुत सारे हर्षित के रखे हुए हैं। मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ, ये जो है इधर की साइड रखती हूँ, ये पर्दा ना इसके पीछे की साइड में मैं रख देती हूँ। और ये कपड़े जो है वो अभी हर्षित नहाया है ना तो उसके कपड़े रखे हुए हैं, तो अभी धोऊंगी कपड़े भी, तो दोबारा से दो बार धुलते हैं मेरे कपड़े। एक बार तो मैं नहाती हूँ ना उस टाइम पे मेरे कपड़े धुलते हैं, फिर एक बार ना जब ये सब नहा लेते हैं उसके बाद मेरे दोबारा एक बार और कपड़े धुलते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में तैयारी वगैरह करने के लिए, तो जो बनाऊंगी मैं मतलब कचौड़ी बनाऊंगी, तो कचौड़ी की तैयारी करते हैं बिना अदरक के बिना मिर्ची के और बिना धनिया के, देखते हैं कैसा बनता है। नमक मिर्ची थोड़ा ज़्यादा सा डाल दूंगी, सौंफ वौंफ का फ्लेवर अच्छा ले आऊँगी, चल जाएगा काम। नाक बहुत बंद हो रही है, मैं मुँह से सांस ले रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने आलू जो है उन्हें छील लिया है। आलू हमेशा ही उबाल के रखती हूँ मैं अपने फ्रिज के अंदर, क्योंकि हर्षित को स्कूल के लिए चाहिए होते हैं और कई बार इनको क्या बहुत ही ज़्यादा आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो इन्होंने मुझसे कह ही रखा है कि आलू हमेशा उबाल के रखा कर कि कभी मैं कुछ भी आलू का बनवा सकता हूँ। और सर्दियों में ये होता है कि आलू की कोई ना कोई रेसिपी बनी जाती है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल मसाले डाले हैं, मिर्ची डाली है और गर्म मसाला डाला है, सफ़ेद नमक डाला है और काला नमक डाला है, और मिर्ची मैंने थोड़ी ज़्यादा सी डाली है और नमक भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सा डाला है, क्योंकि मैं हरी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ, अदरक नहीं डाल रही हूँ और कस्तूरी मेथी मैंने ऐड करी है क्योंकि मैं हरा धनिया भी नहीं डाल रही हूँ। और हरा धनिया डालो ना तब भी कस्तूरी मेथी का बहुत अच्छा स्वाद आता है। और जो वो क्या बोलते हैं सौंफ का अच्छा स्वाद आता है कचौड़ी में। यहाँ पर मैं आटा भरने लग गई हूँ क्योंकि आटा जो है मैंने रात को ही मंगाया था, मैं रात को ही भर देती लेकिन अगर स्कूल जाना होता हर्षित को तो, लेकिन मैं थोड़ी लेजी हो गई थी रात में क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है कचौड़ी के लिए। और इसके बाद मैंने नमक ऐड किया है और यहाँ पर मैंने तेल भी डाल दिया है मोयन के लिए, तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाला है। मोयन में या तो घी डालो या फिर रिफाइंड ऑयल डालो, कभी भी सरसों का तेल नहीं डालना चाहिए। और यहाँ पर बस इसको फिर अच्छे से है ना इसके अंदर तेल को और आटे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था मोयन इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा और मोयन तेल डाला है मोयन के लिए, और इसको आटे के साथ में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर पानी मैंने कटोरी में इसलिए ले लिया है क्योंकि अब मैं दोनों हाथों से इसको तेल को इसके अंदर मिला रही हूँ ना मोयन को, तो फिर पूरा जग खराब हो जाएगा, फिर पूरा जग मांजना पड़ेगा, इसलिए मैंने कटोरी में ले लिया है। और इससे बस मैं आटा लगा लूँगी, आटा
बिल्कुल टाइट नहीं लगाएंगे, वरना जब हम कचौड़ी में आलू भरेंगे ना तो वो चिपकते नहीं है, खुल जाता है कढ़ाई में जाकर के। तो थोड़ा सा सॉफ्ट लगाएंगे, मतलब पूड़ी से थोड़ा सा ढीला और आटे से और रोटी के आटे से थोड़ा सा टाइट, ऐसा आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरा जो आटा है वो भी बस लग गया है, अच्छे से मत लूँगी। तो थोड़ा टाइट टाइट सा ही लग रहा था, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल करके और थोड़ा सा मथूंगी अच्छे से, और उसके बाद में इसे मैं ढक करके रख दूंगी जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। क्योंकि आटा ना मथते ही अगर काम में लो ना तो इतना अच्छा उसका रिजल्ट नहीं आता, लेकिन अगर मथने के बाद में इसे रख दो ना, 5-10 मिनट ही रख दो चाहे, तो उसके बाद में अगर कुछ चीज़ बनाओ ना तो इतना अच्छा मतलब आटा जो है ना रिजल्ट देता है, मतलब रोटियाँ भी क्रैक नहीं होती हैं, किनोरी वगैरह। और अगर आटा लगाती बनाओ ना तो रोटियाँ भी क्रैक होने लग जाती, क्रैक बंद हो जाती है किनोरी से। यहाँ पे मेरा आटा लग गया है, बस इसको ढक करके रख दूँगी। तो यहाँ पर मेरा आटा तो लग गया था और काफ़ी देर भी हो गई है, 5-10 मिनट हो गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं जो हूँ कचौड़ी की बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले एक बनाकर दिखा देती हूँ कि कैसे बनाऊँगी। तो पहले मैंने एक छोटी सी लोई ले ली है, इसको मैं बेल लूँगी। बेल करके इसके अंदर मैं जो मैंने मसाला बनाया है आलू का भुरता उसे मैं भर लूँगी। अगर आप चाहें तो ये जो आलू का भुरता जो बनाया है ना इसे आप फ्राई भी कर सकते हो जैसे मटर वगैरह डाल करके, पर मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से बना रही हूँ। और बस इसको थोड़ा सा बेल लेंगे, आप चाहें तो हथेली से बस इसको प्रेस करके भी रख सकते हैं अगर आपको बेलना नहीं है तो। वैसे तो बेलने से ये होता है कि है ना थोड़ी बड़ी सी हो जाती है, और अगर बेलो नहीं तो फिर वो बड़ी सी नहीं होती है, छोटी छोटी सी रह जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से बस बेलती जाऊँगी और इसमें भरती जाऊँगी। एक बार पहले भी मैंने कचौड़ी बनाई थी लेकिन उस टाइम पर मैं पूरी अच्छे से नहीं दिखाई थी क्योंकि मैंने ये बाहर जा रहे थे और उस टाइम पर मैंने वो वीडियो बनाया था, तब आप मुझसे कह रहे थे कि कचौड़ी पूरी नहीं बताई, तो इसलिए मैं आज पूरी बता रही हूँ। तो अब मैं जो हूँ पूरी जो आटा है उसकी लोइयाँ बना लूँगी छोटी छोटी सी, और उसके बाद में इनको बेल करके और जो ये आलू का जो मैंने भुरता बनाया है इसको इसके अंदर भर दूँगी, और फिर थोड़ा सा इनको अच्छे से भर के और बंद कर लेना है, वरना क्या होता है कि तेल के अंदर ये खुल जाएगा और फिर आलू है ना तेल के अंदर निकल जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा पतला ही बनाइए जो ये आटा गूंथते हैं इसको, और फिर इसके बाद में इनको भर करके और बस बेल लूँगी। बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, आवाज़ में ना थोड़ा अंदर दिख रहा है क्या? तो इसी तरह से मैं सारी बेल करके रख लूँगी क्योंकि जब ये आएंगे ना तो उस टाइम पर बस मुझे सेकना रह जाएगा। और सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आटे की मैं पूड़ी भी बना लूँ, तो मैंने थोड़ा सा आटा भी लगा लिया है पूड़ियों के लिए। तो ये अभी आई नहीं है तो मैंने सोचा मैं पहले पूड़ियाँ जो हैं उन्हें तल के रख लेती हूँ, क्योंकि बारर में तेल को गर्म करूँगी और फिर बनाऊँगी। इससे अच्छा है कि मैं एक बार ही तेल को गर्म करके सारी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ मैंने बेल ली थी और कचौड़ियाँ भी मैंने भर के रख ली हैं, तो बस इसलिए मैं तलने में लग रही हूँ। और मैंने और ये भी आने ही वाले हैं नाश्ते के लिए, तो मैंने दूध भी गर्म करने रख दिया है और मेरी पूड़ियाँ जो है वो भी पूरी सिक गई हैं। तो बस अब मैं जो हूँ कचौड़ी सेकने रख जाऊँगी क्योंकि ये आने वाले हैं, तो तब तक ये आएंगे जब तक ये सिकी जाएंगी। तो यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ बन चुकी हैं, इन्हें मैं एक तरफ इकट्ठा करके रख दूंगी क्योंकि कचौड़ी खा लेंगे हैवी सा नाश्ता हो जाएगा तो इतनी भूख नहीं रहेगी, इसलिए मैंने थोड़ी सी ही पूड़ी बनाई है कि ठंडी अच्छी नहीं लगती है ना सर्दियों के मौसम में, गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं तीन तीन करके कचौड़ी सेक रही हूँ क्योंकि कढ़ाई मेरी बहुत छोटी है तो उसमें ज़्यादा आती नहीं है। यहाँ पर मैंने दूध भी फेंट लिया है, और उनकी नाश्ते की प्लेट भी मैंने लगा ली है, चटनी रख दी है, और वैसे आलू मटर की सब्जी भी मैंने बनाई थी लेकिन इन्होंने कहा कि मैं उनको चटनी से खानी है तो मैंने चटनी ही रख दी उनके लिए। और यहाँ पर जो हर्षित को देख कर आ रही हूँ पहले एक्चुअली मैं, फिर उसके बाद मैं इनको देख दूँगी क्योंकि अभी इनकी प्लेट लगा ली है, ये आए नहीं है अभी, तो मैंने सोचा पहले मैं हर्षित को दे देती हूँ। और मैं हर्षित को देने गई इतनी देर में ये भी आ गए थे, तो फिर मैंने इनको भी जल्दी जल्दी सेक करके और इनको भी मैंने दी। तो जो कचौड़ी
तो ये जो कचौड़ियाँ होती है ना, इन्हें धीमी आँच पे करके और फिर सेकना चाहिए बिल्कुल ही ना। इससे करारी बनती है और अंदर तक सिक जाती है, वरना क्या होता है कि बार बार से तो सिकी हुई लगती है और अंदर से जब खाने बैठो ना तो अंदर से आटा आटा सा निकलता है, मतलब कच्ची होती है। तो बिल्कुल धीमी आँच पर और आराम से इन्हें सेकते रहना चाहिए और जब पलट पलट के सेकना चाहिए। इससे करारी करारी बनती है और बहुत ही खस्ता कचौड़ी बनती है। और सही में बहुत अच्छी कचौड़ी बनी थी, जबकि इसके अंदर मैंने कुछ भी अदरक या हरी मिर्ची या हरा धनिया कुछ भी नहीं डाला था, बस नॉर्मल से मसाले डाले थे, और फिर भी कचौड़ी जो है वो काफ़ी अच्छी बनी थी। तो कचौड़ी जो होती है ना, वो मुझे आलू आलू की सब्ज़ी या आलू मटर की सब्ज़ी से अच्छी लगती है। और ये भी वैसे तो आलू मटर की सब्ज़ी से खाते हैं, लेकिन आज पता नहीं इनको क्या सूजी की है। और अच्छा हुआ कि मैं हमेशा चटनी बनाकर ही रखती हूँ अपने पास में। तो यहाँ पर बस मैंने इनकी प्लेट जो है वो तैयार कर ली है, दलिया रख लिया है, दूध रख लिया है और कचौड़ी भी बन गई है। दूसरा घंट डाल दिया है और इनको देख कर आ रही। बन गई कचौड़ी गर्मा गर्म। पागल तो मैं पहले से ही हूँ। तो नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो गया है और मैंने कचौड़ी बनाई थी, वो सच में बहुत अच्छी बनी थी। जबकि मैंने अदरक है या मिर्ची है या फिर ये सारी चीज़ें नहीं डाली थी, लेकिन फिर भी कचौड़ी जो है बहुत अच्छी बनी थी। एक्चुअली ना ये कभी मुझसे कहते नहीं है कि ना नहीं तू ये बना ले मुझसे। मैं जब भी इनसे पूछती हूँ तो ये हमेशा यही कहते हैं कि जो तेरा मन करे ना तू वो बना ले। तो है ना, और आज इन्होंने मुझसे कहा और सामान भी नहीं था, पर और मेरा ये होता है कि ना कोई मुझसे कहता है ना किसी काम की तो मुझसे मना नहीं होती है। तो फिर जो भी था उससे बना लिया और थोड़ा नमक ज़्यादा डाल दिया, मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डाल दी, तो टेस्ट अच्छा आ गया था। और ये होता है कि सर्दियों में ना ऐसी चीज़ें खाई खप जाती हैं, वरना जो गर्मियाँ होती हैं उसमें तो ऐसी चीज़ें खाई भी नहीं जाती है। एक्चुअली मुझे सर्दी लग रही थी तो मैं स्वेटर लेकर आई हूँ, स्वेटर पहना है। और क्लीनिंग वगैरह मेरी पूरी हो गई है, यहाँ से मैंने पूरा साफ़ कर लिया है। और तेल जो है उसको मैंने ढककर के रख दिया है। यहाँ से बर्तन वगैरह जो है वो भी मांज लिए हैं मैंने। तो अब जो है मेरी तबीयत भी आज कुछ ठीक नहीं है, जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको आवाज़ से लग रहा होगा थोड़ा बहुत तो कि आवाज़ चेंज लग रही होगी। और जुकाम की वजह से मैं सिर भी बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर दवाई लेकर के और सो जाती हूँ। अरे हाँ, मुझे दवाई भी लेनी है। तो रात को इनसे मैंने खुराक बनवा के लाए थे, ये तो रात को ले ली थी, अब सुबह की लेनी है तो वो ले लेती हूँ। और तो मेरी आँखें भी ऐसी है ना गरम गरम हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि बस सो जाओ ओढ़ करके। तो इसलिए मैंने जो है जब कचौड़ी बनाई थी उसी टाइम पे इसलिए तो मैंने एक पूड़ी बना ली थी कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी जिससे। और तो बस अब मैं इस वीडियो को भी यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। और साथ ही ना मेरे पास एक कमेंट आया था कि दी मैं बहुत कोशिश करती हूँ सबको खुश करने की, लेकिन खुश ही नहीं कर पाती हूँ, मैं क्या करूँ। तो इसके लिए मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जब तक इंसान खुद खुश नहीं होगा ना, वो दूसरे को खुश कर ही नहीं सकता है। और बात रही सबको खुश करने की, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप सबको खुश रख सकें, क्योंकि ये वो दुनिया है जिसके अंदर इंसान है ना भगवान से भी खुश नहीं है। तो फिर आप और हम तो हैं ही कौन। लेकिन हाँ, फैमिली की जब बात आती है, अपने पति की, अपने बच्चे की, अपने फैमिली मेम्बर्स की, तो फिर ये रहता है कि हाँ हमको उनको खुश रखना है। तो उनको खुश रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप खुश रहें। आप अगर जो चीज़ आपके पास खुद के पास नहीं है तो वो आप दूसरों को कैसे देंगे। मान लीजिए कि आपके पास अगर पैसे है नहीं और अगर आपसे कोई मांगेगा तो आप कहाँ से देंगे। ऐसे अगर आप खुद खुश नहीं हैं, अंदर से दुखी हैं, तो आप कैसे दूसरों को खुश कर लेंगे। अगर आप खुद खुश हैं ना तो फिर आप दूसरों को भी इजीली खुश कर लेंगे। तो बस यही है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप खुश रहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो सबको खुश रख पाएंगे। तो चलिए अब इन्हीं थॉट्स के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और रेसिपी भी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।